नमस्कार, मैं अनामिका बिहार की 25 खबरों के साथ। आज 30 सितंबर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की मांग की। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए फॉर्म भरने की तारीख को विस्तारित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले बार जब फॉर्म भरने की तिथि का विस्तार किया था, तब पोर्टल नहीं खुलने के कारण छात्र व छात्राओं को उसका लाभ नहीं मिल सका। बिहार की कोसी नदी पर बनेगा देश का सबसे बड़ा पुल। बिहार की कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने टेंडर राशि को मंजूर कर लिया है। सरकार व एजेंसी के बीच जल्द ही सहमति पत्र बनने वाली है। अगले 42 महीने के अंदर पुल को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इस पुल की लंबाई 10.27 किलोमीटर होगी। बिहार बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के युवाओं के लिए निकाली बहाली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक, इंटर व स्नातक पास युवाओं के लिए निकाली है रिक्तियां, जिसके तहत कुल 75 पदों पर नियुक्ति होगी। सहायक के लिए 23, लेखा सहायक के लिए 21, आशुलिपिक के लिए 3, आशुलिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 पद शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। मधुबनी स्टेशन हुआ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। बिहार के मधुबनी जिले के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। मधुबनी वासियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अब मधुबनी स्टेशन अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद सभी 255 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मधुबनी का यह स्टेशन मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ है। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में सबसे बड़ी मिथिला आर्ट गैलरी के लिए मधुबनी स्टेशन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया है। किसानों को मिलेगा 300 रुपए में 2 लाख का बीमा। बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एवं MD RP सिंह के साथ हुई बैठक में राज्य के किसानों को 300 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा देने पर सहमति बताई गई है। इसके लिए बिस्कोमान और इफको टोक्यो बीमा कंपनी के साथ करार होने वाला है। वार्ता के बाद दोनों के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि बिस्कोमान से 15 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। बिहार के सभी जिलों के बैंकों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करके 3 तरह के टाइमिंग में एक टाइम स्लॉट को चुनने के लिए कहा गया था, जिसके पश्चात अब सभी जिलों में सभी बैंकों की शाखाएं ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने सभी बैंकों के लिए एक समान समय रखने के संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद सभी के समय में एकरूपता आ जाएगी। अब IIT के कमजोर छात्रों के पास होगा B.Sc की डिग्री का विकल्प। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि IIT के कमजोर छात्रों को संस्थान और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे छात्र संस्थान से 3 साल में B.Sc की डिग्री ले सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई IIT परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने सड़कों की मेंटेनेंस और पुलों के मेंटेनेंस पर ध्यान देने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों को इसका लाभ मिले। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत टोला संपर्क योजना को भी वर्ष 2020 तक पूरा करना है। जो टोले बचे हुए हैं, वहां सड़क निर्माण का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। पटना मेट्रो सफलता के एक कदम और करीब। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक और जहां इसके निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का करार हो चुका है, वहीं इसके अलावा अब प्रोजेक्ट के लिए जापानी एजेंसी जायका से कर्ज लेने की कवायद भी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। कर्ज के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय में आवेदन किया गया है और वित्त विभाग द्वारा इसे वेरीफाई किए जाने के बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिलते ही इसे जायका को भेज दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में रेलवे 4000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा रेलवे ने 50 लाख बर्थ का इंतजाम किया है। ये ट्रेन 4080 से अधिक फेरे लगाएगी। इसमें सबसे अधिक उत्तर रेलवे दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, बनारस शहरों से 64 विशेष ट्रेन के जरिए 500 फेरे लगाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे इलाहाबाद की 6 विशेष ट्रेनें के 156 फेरे लगाएगी। मगध विश्वविद्यालय के द्वितीय खंड की परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख घोषित।
मगर विवि स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा व सामान्य परीक्षा 2019 के परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की तारीख घोषित कर दी गई है। कॉलेजों में बिना विलंब शुल्क 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक तथा विश्वविद्यालय में 12 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ और लेट फीस के साथ कॉलेजों में से 11 से 14 अक्टूबर तक तथा विश्वविद्यालय में 16 अक्टूबर पर परीक्षा फॉर्म व शुल्क जमा किया जा सकेगा। निर्धारित तारीख के बाद परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहारी प्रतिभाओं को मुंबई जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं। बिहार सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष भोजपुरी एवं मैथिली फिल्मों के चर्चित अभिनेता अमित कश्यप ने विभूतिपुरी प्रखंड के सिंधिया बाजार स्थित फिल्मकार हरीश चंद्र मिश्रा उर्फ के हरीश के आवास पर पहुंचकर कहा कि बिहार के फिल्म निर्माण पर सब्सिडी दिए जाने की घोषणा से अब बिहारी प्रतिभाओं को मुंबई में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। यदि फिल्मकारों एवं कलाकारों की ओर से सामूहिक रूप से सार्थक पहल की जाए तो बिहार में भी बड़े फिल्म उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। देश का सबसे पहला खादी मॉल पटना में। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, राजधानी पटना में देश का पहला खादी मॉल का शुभारंभ होने जा रहा है। 3 अक्टूबर से देश के पहले खादी मॉल की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि बिहार में खादी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एवं गांधी के सपनों को साकार करने के लिए 3 मंजिला खादी मॉल का निर्माण किया गया है। श्याम रजक ने बताया कि यह खादी मॉल बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का पहला मॉल है। अब बारिश और जल जमाव की वजह से हरी सब्जियों की कीमत में अचानक वृद्धि। बारिश की वजह से रेनकोट व छातों की डिमांड बढ़ी, जबकि हरी सब्जियों की कीमत में अचानक वृद्धि हो गई है। बाजार में पसा सन्नाटा, जरूरी काम काज जैसे नौकरी वाले लोग ही निकल रहे हैं घर से बाहर। बता दें कि पटना सहित बिहार के कई इलाकों की सड़कों पर जल जमाव की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। रास्ते में ऑटो व मोटरसाइकिल इक्के दुक्के ही चलते दिख रहे हैं। बिहार के बगहा में भारत सरकार रीजनल आउटरीच ब्यूरो, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय पटना के गीत व नाटक प्रभाग की तरफ से कमल संगीतालय कला के कलाकारों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया है, जिसमें खुले में शौच से होने वाली बीमारियों व पॉलिथीन के प्रति गंभीरता जताते हुए लोगों को इनसे सजग रहने की बात कही। साथ ही शराबबंदी जैसे मुद्दों को सकारात्मक बताते हुए लोगों को बेहतर समाज बनाने में सहयोग की मांग की। पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों की दिनचर्या हुई मुश्किल। लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशानी बढ़ने की आशंकाओं से लोग सहमे हुए हैं। पटना के हनुमान नगर, कंकड़बाग, बोरिंग रोड एवं बहादुरपुर रोड के साथ कई इलाके पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसके अलावा पटना के कई अन्य इलाकों में भी हालात इसी तरह के हैं, जिसके कारण कई इलाकों व कॉलोनी के लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। रविवार से दशहरा आरंभ, बारिश ने किया असर। बारिश की वजह से दशहरा को लेकर बाजार में मंदी पसर गई है। बारिश की वजह से लोगों का खरीदारी बाजार बंद पड़ रहा दिख रहा है, जबकि जगह जगह बनाने वाले पंडालों पर भी विशेष प्रभाव पड़ रहा है। सहरसा से भागलपुर की नई ट्रेन के लिए प्रस्ताव। सहरसा भागलपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन नई ट्रेन 155/23/24 चलाने के प्रस्ताव रेल बोर्ड को भेज दिए गए हैं। वहीं गया जमालपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 53/616/15 का सहरसा तक विस्तार करने का भी प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। समस्तीपुर से करोड़ों मूल्य की अष्ट धातु की मूर्ति हुई गायब। रोसरा थाना क्षेत्र में भीरहा गांव स्थित भावादास राम जानकी ठाकुरबाड़ी में अष्ट धातु की 22 मूर्ति गायब हो चुकी है। बता दें कि मूर्ति गायब होने की वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जदयू अब दिल्ली की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जदयू ने किया फैसला, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतारेगी अपनी प्रत्याशी, जिसमें जदयू ने दिल्ली प्रदेश की इकाई के पुनर्गठन को पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी मिलने पर अगले साल होने वाले चुनाव में भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि वरिष्ठ नेता दयानंद राय को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। फिल्म ड्रीम गर्ल की कमाई का रिकॉर्ड 100 करोड़ के पार। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल ने अपनी कमाई की लगातार रिकॉर्ड में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। बता दें कि यह फिल्म अपने स्पीड से लगातार कमाई कर रही है। सचिन ने पानी के बीच लगाए शॉर्ट्स। भारतीय बल्लेबाज 46 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने पानी पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए वीडियो शेयर की है, जो कि गेंदबाज पानी वाले नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए सचिन उनमें से कई गेंद छोड़ते जबकि कुछ पर शॉर्ट्स करते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खेल के प्रति प्यार और जुनून हमेशा ही अभ्यास करने के नए तरीके ईजाद करने में मदद करता है, जिसके आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। भारी बारिश के कारण बंद किए गए स्कूल कॉलेज। राजधानी में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी तेज तो कभी धीमी गति से पानी बरसने के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय बंद करने का आदेश दिया है। तो जानते हैं मौसम का हाल।
औरंगाबाद, मोतिहारी, फारबिसगंज, सुपौल, नालंदा, मधुबनी में पूरे समय बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश होगी। वहीं पटना, मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, गया और पूर्णिया में लगातार बारिश की बौछार होगी। तेज हवा का झोंके चलेंगे और गर्जना होने की संभावना है। बिहार के चार शहरों में जल्द खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद को तेज करते हुए बिहार के बक्सर समेत चार जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया जाएगा। यह बातें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में आयोजित 8वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।